ज्यादा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें देखते ही पता चले कि उनमें पावर है। जैसे कि एलिफेंट भी बहुत बड़ा है लेकिन हम उसको कभी नहीं समझते कि मतलब पावर जनरेट करता है, लेकिन हॉर्स ऐसे ही देखते सडनली हमारे दिमाग में ऐसी चीज आती है कि एक पावरफुल एनिमल्स है और बहुत लाइव है, मतलब वो कभी भी ऐसा स्टेबल नहीं रहता एक जगह पे। और भूल भी सेम है लेकिन उनका एंगल अलग है। और बचपन से ही मुझे इन दोनों में रुचि थी और जब जिस फैमिली से मैं आया हूँ, मेरी टायरी विलेज बिलोंग फार्मर फैमिली, तो बचपन से मैंने भूल के साथ रहा हूँ, उनसे खिलाया है, मतलब खेतों में लेके जाता था। और तब से जाके मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठते मिट्टी के छोटे छोटे भूल बना था, मेरे टॉयज जो बोलते हैं हम लोग, तो टॉयज खेलने का मेरा यही अंदाज था कि मैं भूल छोटे छोटे मिट्टी के टॉयज बना के उनको पेंट करता था। और एक दिन आता है कि जिस दिन हम भूल को सजाते हैं उसे हम फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो मोमेंट मेरे दिमाग में बचपन से थी। एक टाइम ऐसा आता है पेंटर के लिए कि कोई चीज़ उनके दिल में जो रहती है वो एक्सप्रेस करना चाहता है कैनवास पे। तो ये जो सीरीज मैंने बनाई लस्ट फॉर लव, तो वही उसी का नतीजा है कि मेरे दिमाग में इतने दिनों से था जहन में, वो मैंने ये मेरे एग्जीबिशन के लिए उसको पेंट किया। देखते थे मतलब जब फार्मरिंग हर किसी फार्मर से हॉर्स भी रहता था, जिसके कोई बड़ा फार्मर है उनके साथ हॉर्स रहता था, तो और हॉर्सेस के प्रति ना पहले से ही ऐसा बहुत बड़ा मतलब ये था कि उसको देखते ही कुछ अच्छा लगता था, मतलब एक मोमेंट लगता था कि ये स्केच करना चाहिए। जैसे मैं पेंटिंग के प्रति मेरी रुचि बढ़ने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, हॉर्सेस एक ऐसा एनिमल कि हमेशा वो जिंदा रहे, लाइवनेस उसमें बहुत है, जो मेरा नेचर भी वैसा है। तो मैं फिर धीरे धीरे हॉर्सेस के ऊपर आ गया। मैंने पहले विक्टोरिया जो टोंगा रहता है वो हॉर्सेस को पेंट किया, फिर मैंने मुझे लगा कि उसमें वो पावर नहीं दिखती, वो दुबला पतला लग रहा है। फिर मैंने रेसकोर्स जाके स्टडी किया हॉर्सेस का, मैंने रेसेस देखा बहुत सारा, जॉकीज को मिला हो और बहुत सारा सर्च करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा भी सच में हॉर्स ही रहेगा। तो अलग अलग एंगल से मैंने हॉर्स को पेंट किया। तो मैं 22 साल का जो जर्नी है मेरा, जिस पेंटिंग मैंने इतनी सारी बनाई वो मेरा लस्ट है, मतलब जो मेरा पैशन था वो मेरा लस्ट हो गया है। और वो इसके लिए मैंने उसको टाइटल दिया लस्ट फॉर लव। और इटर्नल रोमांस जो मैंने दिखाया है, मेल फिगर जो हॉर्सेस के मेरे पेंटिंग में थे, तो मेल फीमेल रिलेशन के ऊपर अटैचमेंट जो दिखाया, तो उसके लिए एक वर्ड चाहिए और जो वर्ड है कि लस्ट फॉर लव से बेटर मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने वो टाइटल दिया है लस्ट फॉर। हॉर्सेस पे अभी कुछ दिन जब तक मुझे मिल रहा है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा है अभी, मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इतना ओपन हुआ है अभी मेरा भाई। तो इसीलिए मैं इस कल्चर पर अभी, जब कैनवास थी एक लिमिटेशन था कैनवास को, अभी 3D आ जाएगा जो मेरे पेंटिंग पे इतना सारा 3D इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो मैं आने वाले एग्जीबिशन में पेंटिंग के साथ मेरा स्ट्रक्चर भी रहेगा।